एट द रोहाज, जिसका दूसरा नाम है हाफ वे होम। दोस्तों ये एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी होने वाली है जो कि लगभग 1.5 घंटे की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म रेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो एक लव स्टोरी पे फोकस करती है, जहां पर एक इंसान अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। होता क्या है कि एक मुर्दा घर होता है, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड को रखा जाता है जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्पेशल इंसान होता है, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं होता और उसे उसी काम के लिए चुना जाता है। अब उसके पास जो स्पेशल पावर होती है वो ये होती है कि जो मरे हुए इंसान होते हैं वो उनकी आत्माओं से बात कर सकता है और उनकी आत्माओं का जो काम रह जाता है वो उनको पूरा करने में लग जाता है। लेकिन उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है उसकी एक लाइफ पार्टनर सेनोरिटा से, जो कि उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ देखने को मिलेगा और कैसे कैसे उसकी पूरी लाइफ चेंज होती है और वो आत्माएं उसे ही क्यों दिखती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, जो इस मूवी का कंसेप्ट है ना, इस तरह के कंसेप्ट पे आपने ऑलरेडी कुछ मूवीज़ देख रखी होंगी, बट मूवी का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब इसकी लाइफ के अंदर उसकी लाइफ पार्टनर एंटर करती है, तो वहां से जो एक मोड आना शुरू होता है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसी वजह से मुझे ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी है। और इस मूवी के अंदर कोई भी लॉजिक लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई भी लॉजिक आपका काम नहीं आएगा। बाकी आप इंटरटेनमेंट के नजरिए से इस मूवी को देख सकते हो, ये मूवी आपको बोर तो नहीं करेगी, बट मूवी के अंदर असली मजा आएगा आपको लगभग 40 मिनट के बाद। और मूवी की एंडिंग आते आते एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहां पर आपका दिल भी थोड़ा बहुत खुश हो जाएगा कि भाई हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। बाकी सभी करेक्टर की परफॉर्मेंसेस अच्छी है और मूवी का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, आपको पूरी मूवी के एंड तक बांध के रखता है। कुछ कुछ जगह ऐसी हो कि जहां पर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बोरियत जैसा फील हो, बाकी ओवरऑल मूवी आपको एंटरटेन तो जरूर करेगी। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 7/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।